पर बिलासपुर से आ रही है। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन का बड़ा बयान, पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे अगला विधानसभा चुनाव, पीएम मोदी और कमल का निशान होगा चेहरा। नितिन नवीन के बयान से राजनीतिक गलियारों में मची खलबली। प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी रहे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से। प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही है। नितिन नवीन का बड़ा बयान, पीएम मोदी और कमल का निशान होगा चेहरा, ऐसा कहना है नितिन नवीन का। नितिन नवीन के बयान से राजनीतिक गलियारों में अब खलबली सी मच गई है। प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी मौजूद रहे। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने एक बयान दिया, प्रेस वार्ता उन्होंने की। प्रेस वार्ता आयोजन के दौरान उन्होंने कहा कि अगला चुनाव वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के निशान के नाम पर लड़ेंगे। नितिन नवीन के बयान से अब राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर बिलासपुर से, भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अगला चुनाव पीएम मोदी के चेहरे और कमल के नाम पर लड़ेंगे। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने कई और भी बातें कही, लेकिन अहम बात यह है कि उन्होंने ये दावा किया है कि अगला चुनाव वो प्रधानमंत्री मोदी और कमल के नाम पर लड़ेंगे। उनका अगला चेहरा प्रधानमंत्री मोदी और कमल का निशान होगा। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियां कमर कस चुकी हैं और कई सारी तैयारियों में जुट चुकी हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिलेवार का दौरा कर रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, नितिन नवीन का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि अगला चुनाव वो पीएम मोदी और कमल के निशान पर लड़ेंगे, क्या कहेंगे आप इस विषय में? आगामी चुनाव अहम तो माने जा रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी ही है? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संजय जी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और इस बारे में उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। एक तरफ जहां 2023 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कमर कस चुकी हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जिलेवार दौरा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनता के बीच में भी जाके संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार पर हमलावर है। कई सारी खामियां गिनाने के बाद बीजेपी ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान मीडिया सह प्रभारी बीजेपी से नितिन नवीन का बयान सामने आया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अगला चेहरा पीएम मोदी और कमल का निशान होगा। वापस से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, नितिन नवीन का एक बयान सामने आया है, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने प्रेस वार्ता की और उनका कहना है कि अगला चुनाव वो प्रधानमंत्री मोदी और कमल के निशान पर लड़ेंगे, तो क्या बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी ही है? देखिए, निश्चित रूप से इसमें तो कहीं कोई शंका कुशंका की बात ही नहीं है। आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा यदि कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और चूंकि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से हैं तो निश्चित रूप से हर एक चुनाव में जो हमारे चेहरा हैं वो माननीय मोदी जी ही रहेंगे। वैसे भी हम यहाँ पर सत्ता में नहीं है और कमल निशान तो हमारे दिल पर है, तो कहीं कोई बात ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और ये सब तो कहीं घोषित करने वाला विषय ही नहीं है। हर एक चुनाव जो है
वो माननीय मोदी जी की जो लोकप्रियता है, माननीय मोदी जी को जो लोग पसंद करते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस है, उनकी स्वीकारिता जो है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा जो विषय है, बड़ा चेहरा है और बड़ा फायदा भी, मैं कहूंगा बहुत सीधे शब्दों में कि बहुत बड़ा फायदा भी हमको प्राप्त होता है हर एक चुनाव के अंदर में। तो माननीय मोदी जी तो निश्चित रूप से हमारा चेहरा है ही हमेशा के लिए। ठीक है संजय जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता अटल श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अटल जी, बीजेपी की तरफ से प्रेस वार्ता की जाती है, नितिन नवीन है बीजेपी से सह प्रभारी और उनका ये कहना है कि आगामी चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे और कमल के निशान के नाम पर लड़ा जाएगा, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और इन 15 सालों में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिनको वो जनता को बताया गिना सके कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में रहने वाले वनांचल के लोगों के लिए कोई ऐसा बड़ा काम किया जिसको वो गिना सके। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी को की बात को लेकर है, छत्तीसगढ़ का चुनाव छत्तीसगढ़ की जनता करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि अभी बीते हुए 3 सालों में किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के वनांचल में, छत्तीसगढ़ में एजुकेशन को लेकर, छत्तीसगढ़ में उद्योगों को लेकर जिस तरीके का काम, छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति का जो नई पहचान बनाई है और वो नवा छत्तीसगढ़, उस पर ये चुनाव होगा। और जहां तक मोदी जी की बात है तो जनता समझ गई है कि 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमत, सरकारी संसाधनों को बेचने का काम जिस तरीके से मोदी जी कर रहे हैं वो जनता के बीच से हट चुके हैं। इसलिए कभी भी आज तक उन्होंने किसी को भी डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं दिया किसी भी प्रेस को, तो आप इससे समझ सकते हैं कि उनके पास भी गिनाने के लिए कुछ नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा जनता से हितों से जुड़ी हुई कोई मांग उनके पास नहीं है, जिससे जनता अभी महंगाई को लेकर हाहाकार कर रही है, आने वाला समय बताएगा। अटल जी, महंगाई की आप बात करें तो क्या लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ में महंगाई को लेकर अब इस बार वोट बीजेपी के खाते में कुछ जाएंगे या फिर बिल्कुल सुपड़ा साफ होने की उम्मीद बता रहे हैं आप? मैं आपको कह रहा हूं कि अभी पिछले चुनाव में जिसे 3/4 बहुमत छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को दिया था, इस बार महंगाई को लेकर और तमाम जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं जिससे आम जनता के ऊपर केवल कर और बोझ लादा जा रहा है और जितने सरकारी संस्थान है उसे बेचा जा रहा है, तो जनता समझ चुकी है कि कौन बेचने का काम कर रहा है और कौन जनता की जमीन से जुड़े हुए जो समस्याएं उनके निदान की ओर अग्रसर है। छत्तीसगढ़ की जनता, ठीक है अटल जी, संजय जी से एक प्रतिक्रिया जल्दी से ले लेते हैं। संजय जी, क्या कहेंगे आप? अटल जी महंगाई को लेकर तमाम मुद्दे बता रहे हैं, तो इस बार मोदी जी का जो चेहरा है वो काम छत्तीसगढ़ में आएगा कि नहीं आएगा? मोदी सिक्का चल पाएगा या नहीं? देखिए, ऐसा है, हमारे पास तो एक राष्ट्रीय चेहरा है, इनके पास मजबूरी है कि इनके पास चेहरा ही नहीं है, कहीं राहुल गांधी को उतार दे तो सुपड़ा साफ हो जाता है। इसलिए बेसिक अंतर एक राष्ट्रीय नेताओं में भाजपा का और कांग्रेस में है। अब जहां तक महंगाई का सवाल है, जिस महंगाई के नाम पर ये सवाल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई आज ही का पेपर उठा लें अटल जी, हरिभूमि में छपा है कि 1.25 साल के अंदर में 1.5 गुना सीमेंट महंगा हो गया। तो मुझे लगता है कि सीमेंट माननीय मोदी जी ने महंगा नहीं किया है, ये आपकी राज्य सरकार के जो कर लग रहे हैं, जो भूपेश टैक्स जिसको बोलते हैं, या फिर कोल जो टैक्स लग रहा है, या लोहे की कीमतें कितनी बढ़ गई है, रेत माफिया जो सक्रिय हो गए कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जो रेत का धंधा कर रहे हैं, अवैध शराब का धंधा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सब तो 2023 में बात करेंगे। लेकिन आपने जो कहा कि अभी जिस विषय को लेकर आपने कहा, माननीय मोदी जी इनके लिए बड़ा तकलीफ दे है क्योंकि कांग्रेस की सफाई उन्होंने जिस तरीके से करी है और मोदी जी इनके लिए काम नहीं करते हैं लेकिन वो 300 से 350 सीट प्राप्त कर लेते हैं, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। और जहां तक इन्होंने कहा कि मोदी जी इंटरव्यू नहीं देते हैं, अरे कुछ लोगों की आदत होती है कि वो इंटरव्यू ही देते रह जाते हैं या चिट्ठी लिखते रह जाते हैं जिंदगी भर के लिए। चलिए ठीक है, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अजय जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, संजय जी बीजेपी से जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर भोपाल से है।